नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार किस कदर घर कर चुका है, यह घोटाला इस बात का पुख्ता सबूत है। मामला शिवपुरी की जनपद पंचायत का बताया जा रहा है। यहां के दो सीईओ, दो बाबुओं व ऑपरेटर ने अंत्येष्टि व अनुग्रह राशि हड़पने के लिए 26 जिंदा लोगों को कागजों में मार डाला और 93,56,000 का गबन कर दिया। कहीं किसी की पत्नी को जीते जी मार दिया तो किसी के जवान बेटी को मृत बताकर पैसे हजम कर लिए। वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जनपद के उन गांवों में जाकर पड़ताल की गई और उन्हीं 26 जिंदा लोगों को सामने लाया गया। अब इनके सामने खुद को जिंदा साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं आपको बता दें, एक युवक जिनका नाम सत्येंद्र ओझा बताया जा रहा है, जो कि दर्रौनी खेत के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि वे एक मकान में काम करते हुए मिले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर गांव आए थे, मुझे बुलाया और बताया कि तुम्हारी तो 2019 में मौत हो गई है। मैंने कहा कि साहब, मैं तो आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। वहीं सत्येंद्र के माता पिता भी जिंदा हैं, जिन्हें उसने 15 जून को तीर्थ यात्रा पर भेजा है।